नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी बात पे शायद तुम यकीन नहीं करती, लेकिन अब कानों से सुन लिया ना। लेकिन ये सब क्या हो रहा है चाचा जी, कुमार बाबू, आखिर ये सब क्यों? सीमा, ये वक्त क्यों और कैसे का नहीं है। तुमने मुझ पर बहुत एहसान किए, यहाँ तक कि मेरी माँ को मेरे नाम से पैसे भी भेजे। आज यही एक मौका है कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ। मुझे एक तरकीब सूझी है जो तुम्हारी मदद से कामयाब हो सकती है। क्या करना होगा मुझे? चाचा और कुमार को टकराने के लिए उनके सामने एक नाटक खेलना पड़ेगा, जिससे उन्हें यकीन हो जाए कि हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, ताकि उनका हशर ये होगा। लो ज्वाला प्रसाद जी, आखिरी घूंट भी आप ही पियो। अंकल, आप अच्छे तो हैं? क्यों बेटी, क्या हुआ? मैं अच्छा भला तो हूँ। शुक्र है भगवान का, मैं तो घबरा गई थी अंकल। मैंने अभी अभी ख्वाब में देखा कि कोई आदमी हाथ में छुरा लिए आपका पीछा कर रहा है। खूबसूरत लोगों को ऐसे भयानक सपने नहीं देखने चाहिए। ये लीजिए सीमा जी, आंसू पहुंच डाले। लीजिए लीजिए, सपने अक्सर झूठे ही होते हैं। लेकिन मेरे सपने अक्सर सच निकलते हैं। लेकिन ये सपना तो झूठा है। अंकल, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने सपने में आपकी लाश देखी अंकल। लाश? मेरी लाश? हाँ अंकल, और आप जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और वो खूनी कह रहा था, अब तक तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। कुमार बाबू, ज्वाला प्रसाद जी, आप भी बच्चों की तरह कांप रहे हैं। देखिए सीमा जी, अगर आपको सपनों से डर लगता है तो जल्दी से शादी कर लीजिए, और फिर कभी डर नहीं लगेगा। और अगर लगेगा नहीं तो कोई पास बैठकर तसल्ली देने वाला तो होगा। अशोक, बचाओ, बचाओ। अशोक, ये क्या तुम मेरे चाचा जी का खून करना चाहते हो? खून मैं नहीं, तुम्हारा चाचा करना चाहता है। सीमा, में ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि कल रात के हमारे जरे से झगड़े के लिए तुमने चाचा को मेरा खून करने के लिए मजबूर किया। ये दोनों मुझे छुरा तुम्हारे चाचा ने गुंडा के हाथ भेजा मेरा खून करने के लिए। Shut up! क्या तुमने हमारे खानदान को इतना गिरा हुआ समझ रखा है? आखिर क्या समझते हो तुम मेरे चाचा जी को? गुंडे या लफंगे तुम हो। गलती तो मेरी थी कि मैंने तुम जैसे आवारा दौलत के भूखे और किसी के खून के प्यासे इंसान को अपने मुंह लगाया। गलती तुमने नहीं, मैंने की, जो ऐसे खानदान से ताल्लुकात रखे जो हर चीज को दौलत के तराजू में तोलते। अच्छा हुआ सीमा, आज मैंने तुम्हारी असली तस्वीर देखी। आज से मैं इस घर में कदम ही नहीं रखूंगा। सीमा बेटी, सीमा बेटी, देख लिया तुमने अशोक को? हमने तुम्हें कितनी बार समझाया किस आदमी को अपने नजदीक मत आने दिया करो। आप ठीक ही कहते थे अंकल, मुझे सचमुच बहुत बड़ी भूल है, अब मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं जिंदगी भर आपके इशारे के खिलाफ नहीं चलूंगी। आप मेरे लिए जो चाहे करें, जहां चाहे मेरी शादी करते। मुबारक हो ज्वाला प्रसाद जी, लड़की अपने ही आप रास्ते पर आ गई। तो फिर मैं आज से ही सीमा की शादी की तैयारियां शुरू कर दूं? नेकी और पूछ पूछ। लेकिन कुमार साहब, अब वो फोटो तो लौटा दीजिए। ज्वाला प्रसाद जी, ऐसी भी क्या बेतबारी, ये लीजिए, ये आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव। हम तो जबान को बहुत बड़ी चीज समझते हैं। और कोई कॉपी तो नहीं है इसकी आपके पास? ज्वाला प्रसाद जी, भाई अमानों का भी तो कुछ धर्म ईमान होता है, आप भरोसा रखिए। कल से अपना भी जलना बंद हो चुका है और आज तू भी नहीं जली, क्या साथ देती है। कौन है बे? मैं अंदर आ सकती हूँ? क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? पहले अंदर आने की इजाजत तो दीजिए। तशरीफ लाइए, ये सुबह मेरे लिए सुबह जिंदगानी है कि आप आए नजर मुझको आफ्ताब के साथ। बैठिए बैठिए। जी नहीं। हाँ,
पहले आप ये कह दीजिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। माफ? आपने कसूर ही क्या किया है? ये कसूर क्या कम है कि एक अच्छे आदमी को ठुकरा कर मैं आज तक एक दगाबाज की मोहब्बत का दम भरती रही। छोड़िए ना सीमा जी, सुबह का भटका हुआ शाम को घर तो वापस आ गया। और ऐसे आया कि आप वापस जाने को तैयार नहीं? आपके मुंह में घी शक कर। एक बार फिर से कहिए, फिर से कहिए। लेकिन आप पहले मुझे ये यकीन दिला दीजिए कि आप मुझे स्वीकार करने को तैयार हैं। कैसी बातें करते हैं सीमा जी, अंधेरे को अगर रोशनी मिल जाए तो वो कभी उसे ठुकरा सकता है? तो फिर मैं अंकल को खुशखबरी दे दूं कि आप मुझे अपने कदमों में जगह देने को तैयार? कदमों में नहीं, सर पर। बल्कि उनसे ये भी कह दो कि शादी का मुहूर्त जल्दी निकलवा ले। हाँ, आपसे ज्यादा जल्दी तो मुझे है। मैं उस धोखेबाज अशोक से ऐसा बदला लेना चाहती हूँ जो सारी जिंदगी याद करे। जाने भी दो सीमा, बेचारा अपनी मौत खुद ही मारा जाएगा। बस से बदी नहीं करते बल्कि उस पर रहम खाते हैं। मैंने इशारों ही इशारों में अंकल से ये बात छेड़ी थी। उन्होंने छोटी सी शर्त रखी। छोटी सी क्या, बड़ी से भी पूरी हो जाएगी। कहो 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 कहो। वो चाहते हैं कि आपसे मेरी शादी से पहले मैं अपनी सारी जायदाद उनके नाम कर दूं। अच्छा, तो ये है वो छोटी सी शर्त। बस यही। मैं जानती हूँ आपको मेरी जायदाद की क्या परवाह हो सकती है। लिख दो ना। रुपए की जरूरत तो नहीं, लेकिन तुम्हारे अंकल को भी क्या है, न बीवी न बच्चा। एक पांव शमशान में पहुंचा हुआ है, अब फिर इतना लालच क्यों? सीमा, शायद तुम्हारे अंकल समझते हैं कि अब मेरे पास उस बात का कोई सबूत नहीं रहा, लेकिन मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेला हूं। अभी तक एक कॉपी मेरे पास है। कॉपी? हाँ, फोटो की कॉपी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी जाकर उस बुड्ढे खुसर से निपट लेता हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं। सुबह सुबह तो प्यार की बातें करते हैं, झगड़े की नहीं। दोपहर को मिल लेना उससे। लेकिन सुनो, मेरा नाम मत लेना। और फिर आज से तो हमने एक नई जिंदगी शुरू की है। चलो नीचे, मुझे स्पेनिश डांस सिखाओ। इस वक्त डांस नहीं, ये वक्त तो रोमांस करने। आहिस्ता प्लीज, ले चलो ना। चलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये नाउ प्रेजेंट यू वन एंड ओनली मिस लोरा, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड फाइनेस्ट डांसर इन द वर्ल्ड। ठहरो, शॉप। ये दावा बिल्कुल गलत है। इधर देखो, सब लोग देखो, ये हैं सीमा, माय फैंसी, दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की एंड फर्स्ट क्लास डांसर। प्लीज, एक छोटा सा डांस मेरी खातिर। मैं नहीं नाचूंगी। खैर ठीक है, अशोक एक इशारा भी करता था तो तुम नाचने पर तैयार हो जाती थी, और आज मैं कह रहा हूं तो कहती हो कि मैं नहीं नाचूंगी। सोच लो, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। हाँ कुमार साहब, कुमार साहब, कुमार साहब, ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं कुमार साहब? चुप, जगह शोर चुप, शोर बजा रहे, कुर्सी तोड़ दूंगा ना। चुप, तो आप मेरे पेट में लात मारे, अगर वो भाग गए तो मैं क्या करूंगा? देख, जो तेरा नुकसान होगा वो मैं दूंगा, ठीक है ना? ठीक है, बस चुप। अच्छा कुमार साहब, जब आप कहते हैं तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? मैं नाचूंगी। शाबाश, चल अनाउंस कर। चल, मिस सीमा कॉस्ट्यूम रूम में जाकर अब तैयार हो जाइए। क्यों मैम साहब, देख लिया मेरी बेइज्जती करने का अंजाम? उस दिन मेरे साथ जाने से इनकार किया था ना। सीमा बेटी, आओ आओ। अंकल, आज मैं बहुत खुश हूँ। वेरी गुड। आप जानते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी कुमार बाबू मुझसे शादी करना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अंकल, वो आज कुछ अजीब सी बात कह रहे थे। क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि शादी से पहले मुझे सब कुछ उनके नाम करना होगा। क्या कहा? सब कुछ कुमार के नाम? जी हाँ। और वो भी शादी से पहले? जी, और देखा जाए तो ठीक ही तो है अंकल, क्योंकि शादी के बाद भी मेरा सब कुछ उन्हीं का तो हो जाएगा। तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारा भला बुरा मैं खूब जानता हूँ। अंकल, आप नहीं जानेंगे तो फिर और कौन जानेगा? आपके होते हुए तो मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे सर पर मेरे पिता का साया नहीं है। अंकल, कुमार बाबू एक और बात कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कुछ कागज के बारे में। कागज के? ये कि उनके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे वो आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। उनको समझे नहीं। खैर,
मैं तो कभी कभी ये सोच के घबराती हूँ कि मेरी शादी के बाद आपका क्या होगा। देखिए इस तिजोरी में 5 लाख रुपए हैं, आप कब्जा जमा लीजिए। लेकिन अंकल देखिए कुमार बाबू को कुछ ना कहिए। नहीं नहीं देखिए अंकल इनकार मत कीजिए, अब मैं बाहर जाती हूँ ताकि अंदर कोई ना आए। अच्छा हेलो कुमार, आप अंकल से मिलने आए हैं ना? हाँ, आज तुम भी देखो कि कैसे मुलाकात होती है। ओ प्लीज कुमार, मेरे लिए मेरी मोहब्बत के लिए तुम्हें मुझसे एक वादा जरूर करना होगा। देखो अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर मेरे गुस्से को ठंडा करने की कोशिश न करो। ओहो, इधर आप गुस्से में हैं और उधर अंकल का पारा चढ़ा हुआ है, भगवान ना करे कि दोनों की झड़प हो जाए वरना एक दूसरे की खैर नहीं। देखो मैं हाथ जोड़ती हूँ, अगर अंकल ने 2-4 लाख रुपए निकाल भी लिए हैं तो नजरअंदाज कर देना। जी नोटों को हवा लगवा रहे हैं क्या? शायद मैं वक्त से पहले पहुंच गया हूं। कहिए नोट गिन गिन कर रख रहे हैं या शेरों के हिसाब से? कुमार बाबू ये रुपए मेरे नहीं हैं, पुराना इनकम टैक्स अदा करना है इसलिए ले जा रहा हूं। तो फिर मुझे ही दे दीजिए, इनकम टैक्स का दफ्तर मैंने खरीद लिया है, लाइए। लाइए ना, नहीं लाइए नहीं। पानी में रहकर मगर से दुश्मन था, हम इससे डबल गेम खेल रहे हैं। डबल गेम मैं नहीं तुम खेल रहे हो। क्या तुमने वादा नहीं किया था कि मेरे भाई के खून के सबूत के सारे फोटो तुम मुझे वापस दे दोगे? सब तो दे दिए थे लेकिन सिर्फ एक जरूरी सबूत रख लिया था, वो भी ना रखता तो आज तुम अनछूना हो गए होते। कुमार साहब अब मेरा नहीं तुम्हारा उड़न छुआने का वक्त है। अच्छा होता कि मैंने पहले ही तुम्हारा खात्मा कर दिया होता। तुम काओ नहीं, कुमार का सीना भी फौलाद का बना हुआ है, ये तो गोली चलने पर ही पता चलेगा। जाओ मां को लेकर आता हूं। मां की जान प्यारी है या टेप? उसको चला कुछ ऐसी चाल। सीमा आप भूल गए कि मुकाबला किससे है। तुम चाहते क्या हो? इस वक्त भिखारी मैं नहीं तुम हो। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी की माँ की जिंदगी पर दांव लगाकर बाजी जीतना चाहते हो? इश्क और जंग में सब कुछ जायज, लेकिन एक बात की दाद देता हूँ सीमा कि तुम खूबसूरत भी हो और चालाक भी। तुमने अपनी चालाकी से अपने चाचा और मेरे दरमियान गलतफहमी पैदा कर दी। तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, जान तो तुम्हारे चाचा की गई, मैंने उसे खत्म कर दिया और शायद अब अपनी जान बचाने के लिए एक दो और को भी खत्म करना पड़े। अगर तुम्हारे प्यास खून से बुझ सकती है तो मेरा खून पी लो। ऐसा ना कहो मां, मेरी मां की जिंदगी का मुआवजा चाहते हो तुम, तो क्या लोगे? बहुत ही मामूली सी कीमत है सीमा, के चचा के खून का इल्जाम तुम अपने सर पर ले लो। मां की जिंदगी के लिए मैं ये भी कर सकता हूं। नहीं नहीं तुम इसकी बातों में मत आना, सच बोलने की कसम खाई है बेटा, चाहे हम मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए, झूठ मत बोलना डब्बू, झूठ मत बोलना। एक रास्ता और भी कहिए सीमा देवी, आप अपने इश्क के लिए क्या कुर्बानी दे सकती हैं, नथ या जेवर? मेरे पास जो भी है मैं देने को तैयार हूँ। जो कुछ तुम्हारे पास है निकालो।
लेकिन इस वक्त तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ बैंक में है। मैं चेक का धंधा नहीं करता, तो मेरी आवाज वापस दो। जान की कीमत 10 लाख, अगर शाम तक ये रत्न तैमरी गुफा में पहुंचा दो तो तुम्हारी माँ सही और सलामत घर वापस पहुंच जाएगी। मुझे मंजूर है। चलो सीमा, सीमा ये तुमने क्या किया? मेरे लिए तुम क्यों कंगाल हो रही? क्या मैं माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकती? क्या हुआ बेरे, क्या हुआ जी? तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी टाइम बहुत कम है। इंस्पेक्टर साहब, उस बदमाश कुमार ने अशोक के माताजी को कनेरी के घरों में नजर बंद कर रखा है और उसकी रिहाई के लिए वो अशोक और सीमा से 10 लाख रुपए की मांग करता है। ये बात है जी। तुम्हारा नाम? जी मेरा नाम मोहन चोटी है, मैं अशोक का दोस्त हूँ जी। चलो बाहर आओ।
तीन नोट मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी। चलो लोगे या कैश डब्बू की माँ की होने वाली बहू इधर आ चलो इधर आओ अपनी होने वाली सांस के पांव छुओ चलो चल चल तू भी